देखो, हमारे देश में सर्वसामान्य व्यक्ति का जीवन सस्टेनेबल करने में स्वच्छता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये स्वच्छता अभियान इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से अगर मुक्ति मिलेगी तो हमारे 60-70% लोगों को डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और उसके साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को न यूज़ करते हुए किया हुआ हमारा अनाज सब्जियां हमारा जीवन बदल सकता है, और इसीलिए गांधी जी ने स्वच्छता अभियान हमको दिया। मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की है, हम लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, और हमारी महानगर पालिका में इसमें अच्छा काम हुआ है। हम टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ साल के कमा रहे हैं। अभी नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी लाकर हमारा यहाँ लगभग काम शुरू हो गया, 6 महीने में 28 टन बायो CNG तैयार हो गया। जो प्लास्टिक है उसको आज रिसाइकिलिंग के लिए महिला बचत गट के द्वारा लेकर हम दे रहे हैं, तो एक प्रकार से कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ ये भी बात यशस्वी रूप से महापालिका की तरफ से हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि जनता ने इस अभियान में अगर सहयोग किया तो जल्दी ही स्वच्छता का सपना पूरा होगा।